दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि खुद से कमिटमेंट किए हैं कि यहाँ से वीडियो बनाते हम दुकान पे जाएंगे। सबसे बड़ा क्या होता है दिक्कत कि गांव में वीडियो शूट करना, और वो भी कैमरा से कर रहे हैं, DSLR से। मोबाइल से लाज लगता है, DSLR से करके दिखाने वाले हैं। और जो हम नोट करते हैं खुद का जो है डेली का क्या करना है वो नोट करते हैं और कमिटमेंट करते हैं खुद से। और यहाँ पे देख सकते हैं कि खाना बन रही है, वाइफ जो है खाना बना रही है। ये रहा सियाज, ये जा रहा है जलावन के लिए उपाय करने, ठीक है। गाछी है वहां पे, तार का पेड़ है, उसी का डमको गिराने। हम कमेंटमेंट किए हैं कि यहाँ से जाएंगे दुकान पे वीडियो बनाते हुए, और हो सके टाइम मिले तो वहां का भी नजारा दिखा देंगे। तो चलिए अभी फिलहाल कमेंटमेंट को पूरा करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से मेरा जर्नी शुरू होता है। इसके पीछे मेरा घर है, ये भी अपना ही घर है चाचा का, ठीक है। और ये आ गए हम बाजार पे, जहाँ पे बहुत पहले हमारे दादा के जमाने में यहाँ पे मार्केट लगता था, बाजार लगता था। मैं ये नज़ारा आप सभी को दिखा सकता हूँ, ये देखिए। और यहाँ भी छोटे छोटे स्टोर हैं, दुकान है। और ये हमारा रहा बिट्टू भाई का दुकान, और बगल में भी एक गुमटी है। और यहाँ पे पंचायत भवन है, देख सकते हैं, ये रहा पंचायत भवन। और यहाँ से अपना लाइफ जर्नी भी बताएंगे आप सभी को। तो हुआ क्या, लगभग आज से 5 साल पहले से ही हम YouTube कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं, 5 साल पहले से कर रहे हैं, मुझे याद है। उस चैनल का नाम था सुपर स्टार क्रिएशन। उस समय मैं क्या करता था कि सबसे पहले तो मैं सिलाई करता हूँ, तो सिलाई के वीडियो मैंने बनाना शुरू किया, ओके। उसके बाद हुआ क्या कि गांव के लोग, उस समय यूट्यूब बहुत ज़्यादा छाया हुआ था, टिकटॉक छाया हुआ था, तो सब कॉमेडी बना रहे थे, तो उसी को देखा देखी मैंने भी कॉमेडी बनाना शुरू कर दिया। बट उसमें सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो काम कर रहा था ना, देखा देखी काम कर रहा था, एक दूसरे का नकल कर रहा था। और ये होता है ना कि एक दूसरे से जब तक नकल करोगे आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये रियलिटी है। और उस लोग का नज़ारा भी देख सकते हैं। और हुआ क्या अचानक से कि मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसके बाद टिकटॉक करने लगा, क्योंकि टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा लोग फेम पा रहे थे, नाम कमा रहे थे, तो मैंने भी टिकटॉक किया। लगभग 2-3 आईडी बनाया, उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं होने का कारण क्या था कि मैं भी देखा देखी काम शुरू किया था। उसके बाद बिल्कुल जब फ्रस्ट्रेटेड हो गया यूट्यूब से, हाथ थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगा ये वाला, जब बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गया और सक्सेस नहीं मिला लगभग 2 साल तक, तो मैंने फिर से, एक होता है ना आदत हो गया था मुझे वीडियो बनाने का, तो मैंने क्या किया कि वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कॉमेडी वाला नहीं, नहीं टिकटॉक, मैंने शुरू कर दिया क्या स्टिचिंग सिलाई, क्योंकि मेरा जो नॉलेज था सिलाई के पर्पज से था, नहीं मैं जो जाना जाता हूँ गांव में सिलाई के ही पर्पज से जाना जाता हूँ, तो मैंने सिलाई का ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया मोबाइल से। और उस समय जो मोबाइल था मेरा, याद है सैमसंग J2 था, और उसी से मैंने स्टार्ट किया। और अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ DSLR से कर रहा हूँ, और उस समय जो मैं स्टार्ट किया था मोबाइल से किया था J2। और उस समय मैंने क्या किया कि रात को जाकर और वीडियो बनाना शुरू किया। दिन में सिलाई का काम करता था और रात में सिलाई का वीडियो शूट करता था, वो भी नाइट में। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से, क्योंकि दिल से काम करते थे, अचानक से मेरा वीडियो एक वायरल हुआ। और वायरल होने के बाद हुआ क्या कि मोबाइल जो था थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ गया, और उसको मैंने पहले रस्सी से बांध कर वीडियो बनाता था उस मोबाइल को, वो मोबाइल गिर गया और फूट गया। फूटने के बाद क्या हुआ कि भाई उस समय उतना दुकान भी नहीं चलता था, तो उस मोबाइल को बनवाया जैसे तैसे करके। और बनवाने के बाद फिर मैंने काम चालू कर दिया। लेकिन J2 में एक खासियत है, जो चलाया होगा उसको पता होगा कि एक बार टच फूट जाए ना तो अच्छे से काम नहीं करता है, वो अच्छे से काम ही नहीं करता है। टच करोगे यहाँ, टच होगा कहीं और। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गया यार कि अब मैं क्या करूँ। और उसमें वीडियो भी मेरा वायरल हुआ था, कुछ पैसे मैंने 10 रुपये के परसेंटेज में, इतना जुनून चढ़ा हुआ था कि मैंने 10,000 रुपये लिया। और एक पड़ोसी है, उसको उसका भी दुकान दिखाएंगे, अजीत नाम है, और उसको साथ में चल गया मकेर मोबाइल खरीदने, नहीं
और मोबाइल खरीदने जब गया तो वहां पर मोबाइल का दाम था 18,000। जो मोबाइल है A3, ठीक है, MI का A3, और उस मोबाइल को मैंने परचेज किया, खरीदा, और वो 8,000 रुपया वही बंदा दिया जो अजीत है, उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उसने 8,000 रुपये मुझे दिया और मैंने उसका पैसा दे दिया। कब दिया जानते हैं? जब यूट्यूब से पैसा आना शुरू हुआ, तो बहुत दिन के बाद उसको पैसा दिए, क्योंकि उस समय उतना नहीं कमा रहे थे। और फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और उससे मैंने पैसा कमाने लगा, पैसा बनाने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि सिलाई तो बनने लगा, उसके बाद शॉर्ट्स का जमाना आया। मैं 1.5 साल सोचता रह गया कि अरे यार, मैं टिकटॉक पे करके देख लिया हूँ, मेरे बस का बात नहीं है, मेरे बस का बात नहीं है। उसी बीच मेरा शादी हो गया। शादी होने के बाद हुआ क्या कि यार, मैं इतना ज़्यादा कर्ज में चला गया, क्योंकि घर बनवाया, और एक बोलते हैं ना कि खुद से एक होता है ना, एक नौजवान जो बंदे होते हैं हम लोग के जैसा, जब शादी होने को रहता है या कुछ लाइफ में करना चाहता है, जानते क्या करता है, कर्ज ले लेता है। मैंने भी वही किया और कर्ज हद से ज़्यादा ले लिया। कर्ज लेने के बाद घर बनवाया, शादी किया खुद के बल पे। और उसके बाद हुआ क्या कि 4 महीना जैसे ही मैं थोड़ा सा पैसा कमाने लगा, वैसे ही मेरा वाइफ का सीरियस तबीयत खराब हो गया, बिल्कुल सीरियस। अब उसमें लगभग पैसा जो लगा 3 से 4 लाख रुपए लग गए, और मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया, बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। और फाइनली मैं अपना कमिटमेंट पूरा करते हुए रोड पे आ चुका हूँ, और ये रहा गाड़ी। और फिर भी अब मेन सफ़र मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है, जर्नी दुकानों तक का। जो दुकानदार है ना, मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है, जो यहाँ के दुकानदार है लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है। मजाक किया था वो यूट्यूबर साहब, इधर आ जाओ, कितना कमा लेते हो, क्यों करते हो ये सब, क्या मिलता है, तो लोग नहीं समझ पाते थे। फिर भी मैं हार नहीं माना और बनाना शुरू कर दिया। एक चैनल बनाया RS फैशन ब्लॉग, जिसमें मैं ब्लॉग बनाऊंगा, ब्लॉग बनाया, कुछ सिलाई का टिप्स भी बताया, और वह चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज होने के बाद मैंने वाइफ के साथ शॉर्ट्स बनाने का फैसला किया और शॉर्ट्स बनाने लगा। शॉर्ट्स बनाते बनाते अचानक हुआ क्या, उसमें भी वीडियो वायरल हो गया, और वायरल हुआ तो इतना हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते, लगभग 100 मिलियन के करीब जाने वाला है वो वीडियो, 100 मिलियन के करीब। और इसलिए मैंने, और वीडियो जब वायरल हुआ ना, तो पूरा रिलेशन, पूरा गांव बिल्कुल हम पर खफा हो गया, गुस्सा हो गया। उसके बीच मैंने छोड़ दिया काम करना, और फिर फाइनली मैंने सबको समझाया कि अरे यार देखो, ये अपना काम है, ये किसी काम नहीं है, खुद का अपना काम है। लोग दूसरे के पास जाके गुलामी करता है, पैसा कमाता है, ये खुद का काम है, खुद से यहाँ काम करेंगे, एंजॉय करेंगे और पैसा कमाएंगे। तब जाके सबके राजी किया, और मेरा भी जो होता है ना गांव में फ्रस्ट्रेटेड, लाज शर्म, लोग क्या कहेंगे, LKK की बीमारी हो गया था, लोगवा का कही, तो वही लोगवा का कही के मैंने एक निकाल दिया सलूशन। और मैंने कुक FM पे बहुत सारा बुक सुनना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू किया, और जो भी मेरे अंदर खराब आदत था उस आदत को मैंने चेंज किया, बिल्कुल से चेंज कर दिया अपने आदत को। और जैसे कि पान खाने का आदत था तो बिल्कुल त्याग दिया, पान खाना ही मैंने छोड़ दिया, आज तक कभी नहीं खाया पान, जब से छोड़ा। इसके बाद ये कमेंटमेंट आज का मैंने किया कि सबसे बड़ा जो फ्रस्ट्रेशन है गांव को लेकर, मैं उस चीज़ को ख़त्म करूंगा। और अभी सब कोई मेरे को ही देख रहे हैं, घर से जब निकला हूँ वो भी DSLR से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और ये मेरा लाइफ का जो जर्नी है, यहाँ तक आया और मैंने DSLR परचेज किया, और मैंने सोचा कि डेली का जो मेरा काम है वो करेंगे चाहे जो हो। और जब मैं ये कमिटमेंट किया था ना, घर से पैदल शूट करते हुए, बात करते हुए, वीडियो बनाते हुए, आप सभी के साथ बात करते हुए दुकानों पर जाएंगे, तो मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, और मैं नहीं सोच रहा था कि ये हमसे हो पाएगा। लेकिन फाइनली जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया और
बात करना शुरू किया आप सभी से, कैमरा का जो लेंस है उस पर ताक के बात करने मैंने शुरू कर दिया। लोग मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है अपने कामों से। जैसे कि आप एक बार सोच लो ना कि जैसे कि उन लोग का काम है जो वो अपना काम करने में नहीं घबरा सकते। यही दुकान है, यही बंदा मुझे पैसे दिया था, ठीक है अभी वो बंदा नहीं है। और फाइनली मैं अपने दुकानों पे आ गया, मैं अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया इसी के साथ। तो अगर आप लोग भी वही काम करना चाहते हो और आप सभी को भी बीमारी लग चुका है एलकेके का लुगवा का कहीं, तो उस लोग को बिल्कुल भूल जाओ और अपने काम पर फोकस करो। और ये मेरा कमिटमेंट पूरा हुआ। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें। और ऐसा ही कमेंटमेंट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और शॉर्ट्स भी मिलता रहेगा वाइफ के साथ देखने के लिए इसी चैनल पे।